भारतीय रेलवे ने अपनी 100वीं सालगिरह के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने काफी सारे फ्यूचरिस्टिक एम्बिशियस प्रोजेक्ट बताए हैं और इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है हाइपरलूप प्रोजेक्ट। 5 हाइपरलूप के रूट को आइडेंटिफाइड किया गया है जिसे रेलवे बनाना चाहती है। अब ये हाइपरलूप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और हाइपरपोर्ट जो कि कार्गो ट्रांसपोर्ट दोनों के लिए बनाए जा रहे हैं। ये जो रूट है वो काफी जरूरी है क्योंकि मुंबई पोर्ट से पुरानी दिल्ली ये रूट 80 मिनट में यानी कि 80 मिनट में तय हो सकेगा। फिर साउथ मुंबई से कोलकाता पोर्ट तक 190 मिनट में तय हो सकेगा। उसके बाद जो चेन्नई पोर्ट से बेंगलुरु मात्र 20 मिनट में हो पाएगा और गेटवे ऑफ इंडिया से मरीन बीच चेन्नई तक 63 मिनट में जाया जा सकेगा। कितने कम समय में हाइपरलूप में ये पूरा सफर तय किया जा सकता है। और जो आखिरी रूट होगा वो होगा बेंगलुरु पैलेस से तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन सिर्फ 40 मिनट में। उसके बाद 2047 तक रेलवे चाहती है कि हमारे जितने भी पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें पूरा टॉप क्लास और वर्ल्ड क्लास बनाने पर काम करे। देश में सेमी हाई स्पीड और हाई स्पीड ट्रेन का बनाना अपने फुल स्केल पर होगा और वो भी मेक इन इंडिया के तहत। 95% इनके पार्ट जो भारत में बनेंगे। अब प्राइवेट सेक्टर भी रेलवे में लाने के लिए यह प्राइवेटाइजेशन करने के लिए ये लोग ध्यान दे सकते हैं और 2047 तक पैसेंजर कैपेसिटी भी बढ़ाने का कोशिश करेंगे। अभी जो पैसेंजर कैपेसिटी है वो है 8 बिलियन, जो 2047 तक हो जाएगी 20 बिलियन, जो 2.5 गुना से भी ज्यादा होगा। तो इससे भारतीय रेलवे पर लोड बहुत हो जाएगा और इससे मैनेज करने के लिए रेलवे AI सिस्टम ले आएगी और कवच पहले से ही है। और रेलवे का यह भी ध्यान रहेगा कि जो एक्सीडेंट होते हैं रेल से वो भी 0% तक लाने की कोशिश करेगी भारतीय रेलवे 1947 तक। इसी बात पे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।